क्या इंस्पेक्टर की पोस्ट, एग्जामिनर की पोस्ट और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट, ये तीनों पोस्ट खत्म होने वाली हैं या इनकी रिक्रूटमेंट में कोई कमी आने वाली है और ऐसे क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहे हैं? बहुत सारी क्वेरीज आज आपके माइंड में होंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ भी रहे थे। एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है और उसको देख के सब लोग डर जाते हैं, अरे ये कैसा नोटिफिकेशन, ये कर क्या रहे हैं? तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले आज की वीडियो के अंदर, बेहद इंपॉर्टेंट अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, इसी से डिसाइड होगा कि है ना आपको तैयारी करनी चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी आपको पता है कि दिवाली है और दिवाली के टाइम में क्या कोई बिग ऑफर है हमारा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन, कि यहाँ पे अब जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, आपको पता है कि गवर्नमेंट एक टेन्योर के बाद कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करती है जिसके अंदर की सारी की सारी जो पोस्ट वगैरह होती है पूरा डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ रिस्ट्रक्चर किया जाता है। अब यहाँ पे ये एक कमेटी बनाई गई है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इस कमेटी को क्या सौंपना है, एक रिपोर्ट सौंपनी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है और प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इनकी भर्तियां तो भैया अब एकदम नील कर दी जाए और इनकी जगह पे किसकी भर्ती कर दी जाए, सारी की सारी शिफ्ट कर दी जाए TA पे। यानी कि भैया 4600 के बंदे इनको चाहिए नहीं है, इनको केवल और केवल क्या चाहिए, असिस्टेंट लोग चाहिए केवल और केवल, है ना। ये चाहते हैं कि भैया जो ऑलरेडी है इंस्पेक्टर वगैरह वो रहें और उनकी हेल्प करने के लिए बस टैक्स असिस्टेंट लगा दिए जाए। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत भरा है, देखिए न्यूज़ तो अच्छी नहीं थी, बट एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो ये चीजें होना संभव है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं हो सकती है। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ही ये है कि चीजों को कैसे रिशफल करना, अगर सेम ही पैटर्न रखेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बैठता रिस्ट्रक्चरिंग का, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है भाई कि क्या इससे आप पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई ये कमेटी फॉर्म हुई है, ऐसा नहीं बोला गया कि 100% ये होगा ही होगा। कमेटियां हर रोज फॉर्म होती हैं, राज्यसभा लोकसभा में भी कमेटियां फॉर्म होती हैं, यहां भी कमेटियां फॉर्म होती हैं, और ये जो करते हैं प्रपोज्ड, ये केवल और केवल प्रपोजल्स हैं, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर कमेटी अपना पॉजिटिव रुख ही रखे या नेगेटिव रुख ही रखे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन और उस पर अमल भी करना गवर्नमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह है कि जैसे अब मान लीजिए, हालांकि यहाँ तो CBIC है, हालांकि यूजुअली क्या रहता है कि जैसे हम इनकम टैक्स के अंदर तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन है कि वहां पे अगर कोई करेगा भी इस चीज को तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे बीच में, इतनी मास प्रोटेस्ट होती है, बहुत लोग उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, तो वहां तो यूनियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी दिक्कत ही आप देखेंगे तो CBIC के अंदर है, यानी एक्साइज या GST वालों के अंदर ही, यहाँ पे यूनियन तो एक नाम मात्र की ऐसा लग रहा है कि रह गई है थोड़ी सी, क्योंकि जितने भी ऐसे जो इंप्लीमेंटेशन होते हैं ना वो सारे के सारे CBIC में ही होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, कभी भी इनकम टैक्स में कभी भी कोई ऐसे इंप्लीमेंटेशन नहीं होते क्योंकि इंप्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा वो सतर्क रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, जितने भी लोग ये क्वेरी पूछ रहे हैं, तो जिनको नहीं भी पता थी ये क्वेरी तो अब पता लगी होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को देख के आप परेशान मत होना। अब दूसरी बात रही कि क्या तैयारी करनी चाहिए, तो जी हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आप देखिए कि आज का समय बिल्कुल सही नहीं है, आप कहीं प्राइवेट में भी जाएंगे 5-6 हज़ार की नौकरी करेंगे तो उससे आपका घर का खर्च नहीं चल सकता है। ऑलरेडी ऐसा समय आ गया कि भैया गरीब गरीब क्या BPL होता जा रहा है गरीब, तो और अमीर तो अमीर हो ही रहा है, उसका तो हमें पता ही है। तो आपको देखिए कि उस बैरियर को क्रॉस करना है, वो जंप आपको मारनी ही पड़ेगी, और अभी आपके लिए जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही रहती है कि एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हम कुछ बेहतर कर पाए। प्राइवेट में अब देखिए कि अगर बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, बहुत ही शार्प माइंडेड हो, तब तो एक अलग बात रहती है ना, तब तो आपके पास स्कोप है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, गाँव के बच्चे हो, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो फिर आपके पास देखिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती हैं, फिर कोई बहुत ज्यादा आपको अच्छी जॉब वहां पे देने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को सीरियसली कीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट थिंग है कि दिवाली के ऑफर्स के बारे में, एक तो आप देखिए कि यहाँ पे टेस्ट बुक का ऑफर आया है, मैं भी अपना बताने वाला हूँ, और ऐसे ऑफर बताने वाला हूँ कि जो हमने आज से पहले कभी नहीं निकाले GB कक्षा ऐप पे, और दोबारा आएंगे भी नहीं ऐसे वाले ऑफर्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी टाइप की भी ऑफर है। तो आप 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए कि एक तो टेस्ट बुक का ऑफर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल 359 के अंदर आपको कंप्लीट इसके अंदर टेस्ट बुक का पास प्रो दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप पूरे का पूरे टेस्ट बुक के जितने भी मॉक टेस्ट है सभी एग्जाम्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ में ये 11 से 13 नवंबर के बीच में है, तो आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप GB कक्षा के ऑफर सुनिए कि अगर आप लोग GS की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता है GS ही गेम चेंजर है, बड़े से बड़ा टीचर ने आज आके यही बोल दिया कि भैया जो गेम चेंज करेगी वो GS करेगी, और किसी सब्जेक्ट में दम नहीं है कि वो पूरे के पूरे गेम को चेंज कर दे, है ना, चाहे GS आसान है चाहे GS मुश्किल है, लेकिन
चेंज तो गेम जीएस ही करेगी। अब इसके लिए आपको देखिए कि हमने नया बैच शुरू किया जिसके अंदर हम बहुत कुछ नए सिरे से कर रहे हैं, जस्ट अभी शुरू ही हुआ है और ऑलरेडी हमने टारगेट्स भी देने शुरू कर दिए हैं। हम पूरा आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ना है ना, मॉक टेस्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन, मेंस लेवल के नए टाइप के जो मॉक्स होते हैं या एमसीक्यू होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं विद एनिमेशन, लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, कलर्स है ना, कलरफुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स कर रहे हैं, बहुत कुछ है आपके लिए इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे जीएस का रामबाण हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट बैच है ये वीडियो बैच है, इसके अंदर सब कुछ देते हैं हम, ये 599 का बैच है, 1 ईयर की वैलिडिटी अभी हम इसमें दे रहे हैं, प्राइस भी कम कर दिया, वैलिडिटीज भी बढ़ा दी है। ऐसी आप देखिए कि अगर इसको 2 ईयर के लिए लेना तो 699 कर दिया, जबकि आज तक हमने कभी भी 2 ईयर की वैलिडिटी इसके अंदर नहीं दी है। अगर आप कॉम्बो पीडीएफ कोर्स को देखेंगे यहाँ पे तो 899 का हम 12 मंथ्स के लिए दे रहे हैं और 999 का हम 18 मंथ्स के लिए दे रहे हैं। ये कॉम्बो पीडीएफ कोर्स के अंदर है क्या है, यहाँ पे आपको देखिए कि पीडीएफ कोर्स पूरे सभी सब्जेक्ट्स से, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके का, कंप्यूटर का, इन सब का पीडीएफ कोर्स तो मिलता है। ये साथ में जो हमारा जीएस का बैच है ना, जीएस का रामबाण बैच, वो भी साथ में मिलता है ना। तो यहाँ पे यानी कि बाकी के सभी सब्जेक्ट्स की आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी पीडीएफ आपको पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स जो है, प्रैक्टिस मटेरियल सब मिल जाएगा, यानी सारा मटेरियल भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड होता है। तीसरा हमारा बैच है फुल ऐप सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर हमारे जितने भी बैचेज है, चाहे वो इंग्लिश का बैच हो, मैथ्स का हो, और या फिर आपका जीएस का बैच हो, जितने भी पीडीएफ कोर्सेज हैं वो सब कुछ हमारी ऐप पे, जितने भी मॉक्स है सब कुछ आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये अभी हमने बहुत कम प्राइस पे कर दिया, 2000 वाले बैच है जो 1199 का कर दिया 12 मंथ्स के लिए। फिर नेक्स्ट है पीडीएफ कोर्सेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अगर सिर्फ और सिर्फ जीके और कंप्यूटर का चाहिए तो 199 का कर दिया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अभी हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं लाइफ टाइम, लेकिन इसके अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसी आप देखिए कि जो 299 वाला बैच है उसके अंदर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ दे रहे हैं हम, है ना, जब मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश को, यानी कि जीएस की, सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ। तो ये जो है 299 में सभी सब्जेक्ट्स की होगी और 199 में केवल और केवल जीएस और कंप्यूटर की हुई है ना, और दोनों के अंदर ही लाइफ टाइम वैलिडिटी। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं जीवी कक्षा ऐप पे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। ये जो ऑफर है ये केवल और केवल 2 दिन के लिए है और उसके बाद ये ऑफर हमेशा के लिए चले जाएंगे, ये ऑफर वैलिड नहीं रहेंगे, ना ही ये सेम ऑफर आने वाले हैं, है ना। तो मैं जब बोलता हूं कि नहीं आने वाले तो ये वाले ऑफर तो आपको नहीं मिलेंगे दोबारा, ये पत्थर पे लकीर ही समझिए, ठीक है। और कोई ऑफर छोटा मोटा आएंगे तो आएंगे, लेकिन ये आप अगर कर रहे हैं ना तैयारी तो अभी इस बैच को रख लीजिए, बाद में आपको काम आएगा, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसी बैच को ले लीजिए, जहाँ पे ऑलरेडी हिंदी की पीडीएफ्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर दी हैं, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन साथ के साथ हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं कि अब 1 से 1.5 महीने के बाद ना इसके अंदर हिंदी का जो जीएस का बैच रहेगा वो भी इसके अंदर अपडेट करना शुरू कर देंगे, तो उसके ऊपर भी बहुत जोरों शोरों से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का भी लिंक है, जीवी कक्षा ऐप का भी लिंक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके गाइस, बाय बाय।